नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र सनातन धर्म एवं संस्कृति के अद्वितीय व्याख्याकार हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के यूनियन स्वप्न दृष्टा आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज की पावन पुण्य प्रति स्मृति में स्वामी रामचंद्र वीर गौशाला देवली विराटनगर में गौ सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण संकल्प सप्ताह का संत महात्माओं की सानिध्य में धूमधाम से मनाई गई। वैदिक मंगलाचरण से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम आचार्य स्वामी सोमेंद्र जी महाराज ने गोकुलवासी आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज की फोटो का माल्यार्पण पुष्प अर्पण किया। पंचखंड पीठाधीश्वर आचार्य सोमेंद्र जी महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति की परंपरा में पूज्य महाराज जी बताए मार्ग पर धर्म ध्वजा को सर्वे भवंतु सुखी की कामना से गंगा गीता गायत्री गोविंद गोमाता के लिए समर्पित भाव से कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने मानवीय जीवन में प्रकृति की सुंदरता के लिए हरे छायादार फलदार 500 पौधों का रोपण गौशाला परिसर में किया। टोडर धाम की पीठाधीश्वर मंगला दास जी महाराज, झीड़ा के बालाजी के महंत सोहनलाल जी महाराज, संत समिति के पंडित सुभेश शर्मन, पंडित पुरुषोत्तम शर्मा मौजूद रहे। टोडा धाम के पीठाधीश्वर मंगला दास जी महाराज ने भगवान के नाम संकीर्तन करके भगवान की गौ माता की महिमा बताई। उन्होंने आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज की विद्वता और नेतृत्व क्षमता से आज हम सब लोग अयोध्या राम मंदिर में रामलला विराजमान होते देख रहे हैं। हमें गौ माताओं को संरक्षण अपने घर में गाय पालने पर जोर दिया। झीड़ा के बालाजी के महंत सोहनलाल जी महाराज ने कहा कि गांवों विश्व से मातर हमारी आधारशिला गौ माता के पूज्य महाराज जी का संपूर्ण स्मरण जीवन सनातन की सेवा के लिए समर्पित रहा। संत समिति के पंडित सुभेश शर्मन ने कहा कि पुण्यतिथि पुण्यात्मा पुण्यशाली लोगों की मनाई जाती है, महाराज जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इस अवसर पर आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज की स्मृति में 500 पौधों का रोपण किया गया। मंच संचालन युवाचार्य पंकज पराशर ने किया। इस अवसर पर नंदराम गुर्जर, रामचंद्र दायमा, भूरामल शर्मा, कालू शर्मा, नरेंद्र स्वामी, पवन बरेठ, गणपत लाल शर्मा, मामराज सोलंकी, राम गोपाल शर्मा, बलराम शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। विराटनगर से न्यूज 69 के लिए मामराज मीणा की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।